नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार VBR स्टडी में। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, इन्हीं लाइनों के साथ एक बार फिर से हम उपस्थित हैं क्लास टेंथ की NCERT मैथ लेकर के। एक्सरसाइज चल रहा 3.5, आज ये पार्ट नंबर 10 है लीनियर इक्वेशन का। ध्यान से देखना साथियों, ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, तो अगर आपको इंग्लिश देख के थोड़ी घबराहट हो रही है तो बिल्कुल परेशान मत होना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, उसके बाद जो उसमें बचा है उसको आप कर लेना घर से, ठीक? नहीं आएगा तो बताना। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। देखो पहले मतलब समझना, घबराना मत इंग्लिश देख के। कहने का ये मतलब है कि दिए गए इन जो समीकरण हैं इनके लिए ए और बी का कौन सा मान, कौन सा मान मीन्स विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कौन सा मान। आगे क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कौन से मान के लिए इन लीनियर इक्वेशन के अनंत क्या होंगे, हल होंगे। मतलब ए और बी का कौन सा मान रख दिया जाए इस समीकरण में कि इन दोनों समीकरणों के अनंत सोल्यूशन हो जाए, इन्फाइनाइट सोल्यूशन हो जाए, यही करना है। जैसे कि अभी इसके पहले जो स्टूडेंट देखे थे उनको कुछ समझ में आ रहा होगा, हमने आपको ये बताया था कि जब a1 upon b1 इक्वल b2 upon c2, ऐसे कुछ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था ना, a1 b1 c2 b2, यानी कि जब आपस में बराबर होते हैं तीनों तब अनंत सोल्यूशन होते हैं। इसको नोट कर लो जल्दी से, तो मैं आगे बताता हूँ। देखिए इसके लिए क्या होता है, अनंत सोल्यूशन के लिए सब बराबर होने चाहिए साथियों, ठीक है? a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बराबर होने चाहिए, तभी अनंत सोल्यूशन होते हैं। तो हम बराबर करके आपको दिखा देते हैं। ये देखो, इधर देखना पहले, ये एक इक्वेशन है पहला है, ये दूसरा है, याद रखना। जैसे उधर कंपेयर करते थे वैसे करोगे, तो यहाँ पर निकालोगे साथियों, यहाँ से a1, तो a1 बराबर 2 है, b1 निकाल लो इसमें से, b1 इसमें से 3 है, क्या है 3 है, याद रखना, भूलना मत बिल्कुल, b1 क्या है 3 है, c1 क्या है, देखो ये है ना माइनस का 7 होगा, चूंकि उधर है बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसमें चलोगे तो क्या होगा आगे, गौर फरमाना थोड़ा, यक्स है, और यानी कि ये a2 की जगह पे क्या है a-b, और ये b2 की जगह पे क्या है a+b, ओके ठीक, और c2 की जगह पर क्या है, ये पूरा जितना परपंच है ना इधर साइड, ये सब c2 की जगह पर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये माइनस में 3a + b - 2, क्या लिखा मैंने, 3a + b - 2, ये है c2 का मान, यानी ये सब आ गए ना, ओके बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे करते आए वही सब करेंगे, a1 b1 a2 b2 c1 c2 निकालेंगे, देखना। चलिए, a1 upon a2 = b1 upon b2 = क्या है, c1 upon c2, ये होने चाहिए, लेकिन इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले मान तो रख लेते हैं, नहीं तो हमें तो अभी मालूम भी नहीं है, पता भी तो नहीं ना क्या आया। चलो, a1 का मान a-b, और a2 कहाँ है भाई, ओह a1 2 है, a2 a-b है, यही सब तो ध्यान रखना है यार, ठीक ना, यही सब ध्यान रखना है, a1 2 है, a2 a-b है, ये हो गया a1 upon a2। अब b1 upon b2 निकालो, तो b1 3 है, चलिए b1 क्या है 3 है, upon b2 यानी कि b2 की वैल्यू a+b, तो a+b, c1 upon c2 का मान देखो यहाँ से -7 है, और c2 का मान ये पूरा जंजाल है, तो -7 और ये पूरा जंजाल में क्या है 3a+b। इसको थोड़ा बड़ा सा मैं लिख देता हूँ, आप साथ साथ में नोट करते चलना, क्योंकि मैं हिलता डोलता रहता हूँ, है ना।
तो ये 3a + b- का 7। देखो ये पूरी कहानी हो गई, इतना आप नोट कर लो, तब मैं आपको एक और हिस्सा बताता हूँ इसका महत्वपूर्ण, ठीक ना? हो गया ना इतना? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बस लगे रहो यारों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, इसके बाद क्या कहा है, अब सवाल पे चलेंगे। अभी तक तो हम नॉर्मल कंडीशन में थे। कह रहा था कि विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब ए और बी के किस मान के लिए, ए और बी के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों के अनंत हल होंगे, अनंत सोल्यूशन होंगे। तो अनंत सोल्यूशन तब होंगे जब a1, a2, b1, b2, c1, c2 आपस में बराबर होंगे, है ना? तभी होंगे अनंत। तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? हिंदी में तो आप समझ गए हो, ठीक है, इंग्लिश में समझना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में ही आप सभी को ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। फॉर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन लिखिए, फॉर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन। देखो भाई, मुझे इंग्लिश में कम आता है, लेकिन हम हिंदी बहुत अच्छा बताते हैं आपको, अनंत सोल्यूशन के लिए, ठीक ना? हिंदी में चाहे लिख लो, अनंत सोल्यूशन के लिए a1 / a2 / b1 / b2 / c1 / c2 इधर लिख लो ब्रेकेट में अपना समझने के लिए होना चाहिए, ठीक ना? बस सिंपल सी बात है यार, यहाँ जब मान रखोगे तो सब आ जाएगा, दौड़ के अपने आप आ जाएगा। ये समझने के लिए ब्रेकेट में लिखवाए, इतना होना चाहिए, ये सब लिख लो। उसके बाद हम यहाँ पर मान रख देंगे सबका, जैसे ऊपर रखे हुए हैं, बराबर कर देंगे आपस में, बस a और b का मान आ जाएगा, यही करना है। नीचे हल होने के बाद ऊपर आना, देखिए टाइम की बचत हो, हमारा यही उद्देश्य होता है, इसलिए हम छोटी से छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। सो ये मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, ये बराबर होने चाहिए, मैंने यहाँ बता दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, सभी के मान रख दिया। अब यहाँ से हमें a और b के मान निकालने हैं, तो आप एक बार इसको बराबर कर लोगे और एक बार इसको बराबर कर लो, चाहे इसको कर लो, मतलब कोई भी दो मान लेकर के आपस में बराबर कर लो। तो पहले हम a और c को बराबर कर लेते हैं, यहाँ से हम मान निकाल लेंगे, किसी न किसी का निकलेगा, ठीक ना? तो c क्या है, ये देखो माइनस जो था ना, वो नीचे ऊपर दोनों में माइनस था, प्लस हो गया। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 3a + b, और ये माइनस का 2, ओके, और इक्वल 2 × ये इसका तिरछा गुणा करोगे ना, 7 × होगा, क्या होगा, 7। तो ये हो जाएगा 7 × a - b, ओके। बस हल कर लो इसको, सोल्यूशन कर लो, यहाँ पे ऐसे एरो बना लो, बराबर मत लगाना, क्योंकि दो जगह बराबर नहीं होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से a और b का मान निकालना है, किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी करके कुछ भी करो, इसका समीकरण बनेगा, तो मल्टीपल तो करना पड़ेगा। तो ये 6 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तो ये 2b, इसमें ये 2 में होगा तो 4, ये 7a - 7b। एक ही उपाय है, जो भी जुड़े घटे जोड़ घटा लो, तो 7a इधर है, इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा, तो ये a बड़ा है तो माइनस का a आ जाएगा, है ना? माइनस के a आ जाएगा ना, और क्या होगा, ये देखो b है, 2b है, प्लस में है, ये इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस का ये 7 × 2 = 9 भी हो जाएगा, ओके। और ये माइनस का 4 है तो ये क्या होगा, माइनस का 4 ही रहेगा, और बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया एक समीकरण, लेकिन ये समीकरण अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में माइनस लगा है, है ना? तो साथियों, माइनस का चिन्ह हमारी हटाना प्राथमिकता है, तो माइनस का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसमें माइनस एक से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा a - 9b और प्लस का 4 = 0, ये समीकरण एक बनेगा। बात समझ में आई, इसको नोट कर लो, समीकरण एक हो गया। अब हम इसमें से कोई भी दो मान बराबर कर दें, एक बार तो मैंने a और c लेके बराबर कर दिया, देखो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 था, तो हमने a1 a2 लिया और c1 c2 लिया। अब हम b1 b2 और c1 c2 बराबर करके दूसरा समीकरण बनाएंगे, दोनों समीकरण मिला करके मान निकाल लेंगे। चलिए अब इन दोनों को देख लेते हैं,
एक बार हमने A1 A2 और C1 C2 को बराबर किया था, अब A1 A2 और B1 B2 को बराबर करके यहाँ से दूसरा समीकरण बना लेंगे, ठीक ना। तो दूसरा समीकरण देखना यहाँ से कैसे बनता है। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 2A और इसमें करोगे तो ये 2B इक्वल ये 3A माइनस का 3B। हल कर लो, एक समीकरण बनेगा, उधर से 3A इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा तो माइनस का A, और देखो यार ये इधर आएगा तो प्लस में होगा, और प्लस का 5B इक्वल 0 हो जाएगा। ये देखो इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया, दोनों कितने आसान बने हैं ना। देखो इसका A बराबर है और क्या है उसका भी A बराबर है, दोनों समीकरण का देखो एक पद ऑलरेडी बराबर हैं, है ना। तो क्या करोगे अब आप इसमें, अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले तो इसका A आगे माइनस इसको हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है। किसी भी समीकरण में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप इसमें -1 से गुणा कर दो, जिससे पहले शुरू वाला प्लस हो जाए, ठीक ना। तो -1 से गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 5B हो जाएगा इक्वल का 0। अब इसे समीकरण 2 लिखो, उसे नहीं, अच्छा है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। -1 से मल्टीपल हो गया दोनों साइड। अब लिखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, इंग्लिश में लिख रहे हो तो ऐसे लिख लो, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक ना। तो चलिए a माइनस 9b और प्लस 4 इक्वल का है 0, इसको भी लिख लो a माइनस 5b, इसमें c की जगह पे कुछ है नहीं, बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। घटाओगे चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएंगे, ये भी बदल जाएगा, ये प्लस माइनस घटेगा तो 4b आएगा, और ये माइनस का 4 इक्वल 0 आएगा। तो साथियों ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, यहाँ से आप निकालोगे v बराबर, तो ये माइनस का 4 यानी कि कुल मिला के 4/4 बराबर 1 हो जाएगा, कहने का मतलब b का मान 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब आप बेसिक मैथ जानते हो इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो अब क्या करोगे, बी का मान आ गया, यानी कि हमें ए और बी के ही मान निकालने थे। अब क्या करेंगे हम, अब बी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, ए का मान निकाल लो, बस यही थी पूरी कहानी जो आप समझ चुके हो, है ना। चलिए लिखिए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहीं भी रख दो, बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा फाइनल में ये बना था, यही बना था ना। तो a माइनस बी का मान आया है 1 बराबर 0, a माइनस 5 बराबर 0, a इक्वल 5। अब आप लिख सकते हो, अतः a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए इन समीकरण के अनंत हल होंगे, ठीक ना। लिख लेना a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए इन समीकरण के अनंत हल होंगे, इंग्लिश में लिख लेना, हैंस ए इक्वल 5 एंड बी इक्वल 1 आर द वैल्यूज फॉर विच द गिवन इक्वेशन गिव्स इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, अंडरस्टैंड। साथियों आपको एक बात बता दें, आप सभी के बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर कुछ डिटेल दे रहा हूँ। अगर आपको पूरी कंप्लीट क्लास देखना है, कक्षा 10 की पूरी मैथ पढ़ना है, तो प्ले स्टोर पर PVR स्टडी का बिल्कुल निःशुल्क ऐप्स है, उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम वगैरह भर करके एक 4 अंक का पिन खुद से बनाना और लॉगिन करना, ठीक ना। कोई अगर टेक्निकल इशू है, कोई अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। याद रहे व्हाट्सएप पर कोई भी सवाल नहीं भेजना है, क्योंकि व्हाट्सएप में भेजे गए किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसको हमारे असिस्टेंट लोग रिप्लाई करते हैं, ये हमारे पास नहीं होता है, ठीक ना। और कोई इंक्वायरी है तो आप pbrstudy.com विजिट करें और वहाँ से भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, लेकिन एक बात याद रखना, ये क्लास हर दिन सुबह 8 बजे से pbrstudy 3.0 चैनल पर होती है। आप इसे बहुत दिन बाद इस चैनल पर देख रहे होंगे ना, pbrstudy 3.0 यूट्यूब पर सर्च करना, ये pbrstudy का चैनल नंबर 3 है, ठीक ना। तो चैनल नंबर 3 10 और 12 वालों के लिए विशेष है, स्पेशली देखना जरूर एक बार। चलते हैं फिर, जय हिंद। और हाँ, एक विनम्र निवेदन और प्रार्थना होगी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। यार शेयर करने में क्या जाता है, एक ही बार तो क्लिक करना है ना, कर दो ना।